नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। तो इस टाइम में तो पिक्सल बहुत चल रहा है मार्केट में, तो आप लोग घर में भी पिक्सल कई कई आप लोग खरीदे हैं, बट किस तरफ से इसको कनेक्शन करना चाहते हैं, किस तरफ से इसको कनेक्शन करना पड़ता है, किस तरफ से इसको लगाना पड़ता है, आप लोग कोई कोई लोग जानते हैं, कोई कोई लोग नहीं जानते हैं। तो हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं पिक्सल किस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं आपका जो ये जो मशीन है T1000S, इसके थ्रू आप किसको पिक्सल को किस तरफ से कनेक्शन कर सकते हैं हम इस वीडियो में बताएंगे। एकदम सिंपल प्रोसेस है, एक बार देख लेंगे तो आपका दिमाग में ढुक जाएगा, मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, और देर में और क्या बताऊँगा, और देर नहीं करूँगा। चलिए जल्दी से जल्दी इसको फटाफट से कनेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं देख लेते हैं। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक और डिसलाइक कर देना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए कनेक्शन देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो मेरा है ये है कंट्रोलिंग डिवाइस, ये आपका पिक्सल को कंट्रोल कर सकता है। आपका ये घर में नहीं है तो आप खरीद सकते हैं इसको, और ये जो खरीदेंगे आपका घर में पिक्सल का जो चेन है 10 और 20 है तो आप खरीद सकते हैं। 10 और 15 20 के लिए खरीद सकते हैं, बट 1-2 के लिए आप ये डिवाइस को मत खरीदिए। 1-2 के लिए अलग सा डिवाइस मार्केट में है, ठीक है, दूसरा डिवाइस खरीद लेंगे, ये मत खरीदे। ठीक है, ये इसका दाम बहुत है, इसका दाम जो है 900 रुपीज़ आपको अमेजोन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको किस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं, किस प्रकार से कनेक्शन होता है तो देख लेते हैं। ये देखिए, मेरा जो है ये है पावर सप्लाई देने के लिए एडाप्टर, ये जो है मेरा पावर सप्लाई देने के लिए जो एडाप्टर है, ये देख सकते हैं मेरा 16 एम्पियर है, यहाँ पे देख सकते हैं जो है 16 एम्पियर, देखिए 5 वोल्ट 60 एम्पियर का है ये एडाप्टर। अब लोग यहाँ पे पूरी 20 चेन को मतलब तो 20 चेन को तो आप आराम से जला सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, सप्लाई दे देगा, बहुत आराम से चल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो एडाप्टर है देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये देखिए एल और एन यहाँ पे है, यहाँ इसका मतलब है यहाँ पे एल देना पड़ेगा और यहाँ पे एन देना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है अर्थ अर्थ आपका लगा देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एन और एल, इसका मतलब यहाँ पे बिजली आएगा, यहाँ से आपको इनपुट देना पड़ेगा करंट को, 240 वोल्ट को यहाँ पे देना पड़ेगा। एन और एल है, यहाँ पे लाइव और न्यूट्रल है, और यहाँ पे देखिए वोल्ट का प्लस है और वोल्ट का माइनस है। ठीक है, वोल्ट का प्लस में आपको ये जो है आपको सप्लाई देगा, डीसी सप्लाई देगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डीसी सप्लाई देगा, यहाँ पे ये जो एक रेखा है देख सकते हैं यहाँ पे ये भाग है, इस तरफ का है माइनस और इस तरफ का है प्लस। ठीक है, इस तरफ से आपको कनेक्शन कर रहे हैं, इस तरफ से ये भाग है। ठीक है, और ये जो है इसको किस तरफ से कनेक्शन कर सकते हैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे 5 वोल्ट है ये जो कनेक्शन है, ये भी इनपुट के लिए, इसका जो भाग है ये जो पार्ट है ये इनपुट के लिए, इस कंट्रोलर को इनपुट देने के लिए, ठीक है, चार्ज देने के लिए, उसका मतलब सप्लाई देने के लिए। यहाँ पे आपका 5 वोल्ट का कुछ है, 5 वोल्ट का सप्लाई है तो 5 वोल्ट देंगे, और 5 वोल्ट के ज़्यादा भी ये लेता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.5 का से 0.5 से 24 तक वोल्ट तक आप दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये कम, इसका मतलब है जो है आपका माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इसका माइनस है तो कम होने, आप जानते हैं माइनस के अंदर, और यहाँ पे प्लस का वार देना, और यहाँ पे 5 वोल्ट से ज़्यादा है तो यहाँ पे भी प्लस का वार देना, 5 वोल्ट से ज़्यादा 7.5 है तो यहाँ पे देना, इस सॉकेट में लगाना होगा। इस सॉकेट कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 सॉकेट हैं, यहाँ पे लगाने के लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये लगाने के लिए दिया है, आपका 5 वोल्ट से है तो यहाँ पे देना, और न्यूट्रल जो वायर है प्लस का वायर जो है 5 वोल्ट का प्लस का वायर यहाँ पे देना इस वाले सॉकेट में, और यहाँ पे न्यूट्रल वाले जो है न्यूट्रल वाले को इस वाले सॉकेट में देंगे। ठीक है, और हम लोग 5 वाले में दे रहे हैं कि इसलिए मेरा जो एडाप्टर का जो आउटपुट देता है 5P है, ये जो पिक्सल एलईडी है ये 5 वोल्ट का चलता है। ठीक है, इसलिए 5 वोल्ट का सप्लाई देते हैं हम लोग यहाँ पे, ये 5P सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका सप्लाई देने के लिए, ये जो कंट्रोलर है इसको सप्लाई देने के लिए ये है हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो है
ये जो डाटा लेने के लिए, इसका मतलब जो आपका जो पिक्सल में इफेक्ट आता है, बहुत सारा इफेक्ट चल जाता है आता है, जो इफेक्ट आता है कलर चेंज होता है, वो कैसे लेंगे। यहाँ पे देखिए जो डाटा लिखा है, डाटा ये देखिए डाटा लिखा है, देखिए डाटा लिखा है, इससे लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे लेना पड़ेगा, ये तीन नंबर से लेना पड़ेगा डाटा को लेके आपको। इस जो है यहाँ पे जो है देखिए, ये दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे तीन है, तीन तीन वायर है, ठीक है, यहाँ पे तीन वायर है। ये दोनों जो है, ये दोनों का जब व्हाइट और जो रेड है यहाँ पे, इसका मतलब है सादा और लाल जो है, ये जो काम करता है और इसका भी काम सेम है। इसका मतलब है सप्लाई लेने के लिए, ये सप्लाई लेने के लिए सादा और लाल, ये सप्लाई लेने के लिए आप यहाँ पे सप्लाई दे दिया तो यहाँ पे सप्लाई देने का कोई कोई दरकार नहीं है। यहाँ पे कोई आपको यहाँ पे नहीं देना चाहिए, जो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे नहीं है, आपको देना पड़ेगा वो नहीं है, आपको दे नहीं दे सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे सप्लाई दे दिया तो जल जाएगा, ठीक है, नहीं जलेगा किस लिए, यहाँ पे डाटा कनेक्शन आप नहीं देंगे। ये जो एक वायर है, ये है डाटा कनेक्शन, इसका वायर लेके आप क्या करेंगे, इस वायर के जो देखिए यहाँ पे जो तीन है, तीन देख सकते हैं यहाँ पे तीन है, एक दो तीन, इसका जो वायर है, ये आपका ग्रीन कलर का वायर यहाँ पे है, मिडिल पे है, देख सकते हैं मिडिल पे, इस वायर को मिडिल पे हम ढोका देंगे, यहाँ पे हम ढोका देंगे इसको, देखिए ढोका दिया। ढोका देने के बाद और कुछ क्या, और क्या करना पड़ेगा, इसको हमको सप्लाई देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग ढोका दिए हैं, ढोका देने के बाद इसको हम सप्लाई दे देते हैं भाई। ए बी फाइव लेता है, ए बी फाइव लेता है, तो दोनों को एक साथ में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ में कनेक्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ इसका जो प्लस है, हम इसको प्लस, ये जो प्लस वायर है, इसलिए हम यहाँ पे एक गाइड मार के रखा है, इसलिए हम लोग प्लस माइनस का जो प्रॉब्लम है भूल सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हम रखा है, ठीक है, इसको हम गाइड मारते हैं, एक साथ में कर दीजिए, इसको एक साथ में कर दीजिए, दोनों को तो 5 वोल्ट चाहिए, इसलिए सप्लाई में मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरफ से है प्लस और इस तरफ से है माइनस, ठीक है, हम लगा देंगे, इस तरफ पे है माइनस, माइनस के में लगा देंगे इसको, और एक ठीक है चलिए हो गया है। आप बारी है सप्लाई देने की, ये जो है ये हम लोग वायर निकाला है, इसका प्लस माइनस का जो है आप देना है सप्लाई देने की। देखिए यहाँ पे सप्लाई दूंगा, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई दूंगा, सप्लाई दे दिया हूँ। देखिए यहाँ पे ये लाइट नहीं जल रहा है, किस लिए ये जल रहा है, ये जो डाटा जो वायर में जो वहाँ पे घुसा था वो निकल गया है, ठीक है, फिर से ठीक करके इसको ढोना पड़ेगा, डाटा का वायर जो है, देखिए इसको देखिए ये जलना चालू हो गया है, देख सकते हैं ये जलना चालू हो गया है। इस तरफ से आपको क्या करना पड़ेगा, और भी लाइट को कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसका भी ये जो फीमेल सॉकेट है और इसका फीमेल सॉकेट है और मेल सॉकेट है, इसके कनेक्ट कर दीजिए चल जाएगा, देख सकते हैं। बट इसको वोल्टेज थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, ये चार्ज बेसी ले रहा है, ठीक है, इसके लिए फिर से सप्लाई देना पड़ेगा। यहाँ पे ये काज में देंगे तो ये ज़्यादा ब्राइटनेस होगा, ठीक है, जितना लाइट कनेक्ट कर सकते हैं, ये जो एडोप्टर है ये जितना सपोर्ट करता है, ये मेरा 2040 एलईडी को सपोर्ट करता है, उतना तक हम दे सकते हैं। बट आपका सप्लाई जो है, सप्लाई ये आपको ये जो है पैरालल में देना पड़ेगा, ये आप सीरीज में करेंगे तो ये ज़्यादा लोड लेगा, ये ज़्यादा नहीं लोड पाएगा, ये कारण नहीं पाएगा, ये लोड ले लेगा, ठीक है, इसलिए आपको पैरालल में देना पड़ेगा, ठीक है, पैरालल में देंगे तो देखिए थोड़ा सा आपका जो ब्राइटनेस है ये बढ़ जाएगा,
देखिए यहाँ पे दे रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है। कैमरा में आप नहीं भी समझ पा रहे हैं, बट यहाँ पे रहते तो इस तरफ से करके और भी कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए और भी कनेक्शन, जितना है कनेक्शन कर दीजिए। सिर्फ आपको ये जो वायर का सप्लाई जो है, सप्लाई आपको एक्स्ट्रा करके देना पड़ेगा, इसलिए आपको ये जो वोल्टेज है वो शॉर्ट हो जाएगा, वोल्टेज बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए देखिए इसका ब्राइटनेस बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पे कैमरा में आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अब घर में प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ पाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए हैं ये जो हम लोग जो कनेक्शन किया है। समझ नहीं पाए हैं तो कमेंट में बता दीजिए, हम सबको फिर से कमेंट में बोल देंगे, ठीक है, कमेंट करके बता देंगे। और यहाँ पे जो ये है ये सेट करने के लिए, ठीक है, ये सेट, ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसको सेट करने के लिए ये बटन टिपना पड़ेगा। यहाँ पे जो मूड है नेक्स्ट को चेंज करने के लिए मूड रहता है, और स्पीड बढ़ाने के लिए जो है इसको फास्ट और स्लो करने के लिए, और ये जो है स्पीड कमाने के लिए, ठीक है। हमारा पास में एक ही प्रोग्राम है इसलिए ये नहीं चल रहा है, ठीक है। और ये देखिए इस तरफ का जो और एक है, तो किस तरफ से आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसेस है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका जो देखिए ग्रैंड है, ये जो ग्रैंड GND ग्रैंड, इसका तार निकल के, ठीक है, इसका जो तार है उसका तार निकल के उसका ग्रैंड में देना पड़ेगा। इसका जो तार है वायर है, इसका वायर निकल के उसका ग्रैंड में देना पड़ेगा। इस तरफ का जो ग्रैंड है उसका भी ग्रैंड में देना पड़ेगा, इस ग्रैंड के देना पड़ेगा। इस तरफ का जो ग्रैंड है इसका निकल के, और एक जो आप इस तरफ का डिवाइस होगा उसका ग्रैंड में, यहाँ पे जो ग्रैंड है वहाँ पे दे देंगे तो सेम ही कनेक्शन चल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, सेम ही चल जाएगा और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो साथ में चलेगा, एक चिप में साथ में चलेगा सब, ठीक है। आज तक इतना तक, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और डिसलाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।